Hey guys, what's up? तो कैसे हो? Welcome back to my YouTube channel, SNK Vlogs. सुबह के 6:30 बज रहे हैं और ये रही मेरी बाइक और ये रहे विजय भाई, राघु भाई और साहिल भाई. कार का कवर निकाल रहे हैं, हालांकि बहुत ही ठंड है. ये धुआं कैमरा में नहीं दिख. तो आज का प्लान बहुत ही, ये देखो है, गाड़ी के हेडलाइट यूज करके ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं और एक कवर फोल्ड कर रहे हैं. आज का प्लान बहुत ही एक्साइटिंग है. आज बहुत महीनों से प्लान चल रहा था मुर्डेश्वर जाने का, तो वही प्लान सक्सेसफुल फाइनली ऑन हो चुका है प्लान. तो अभी हम मुर्डेश्वर जा रहे हैं. हम कारवार के ऊपर सेंगे क्योंकि यहाँ से कारवार हमें बहुत ही रोड फेमिलियर है, वहाँ से अंकोला भी फेमिलियर है. तो कारवार से एक बार आप अंकोला हाईवे पे चढ़ जाओगे तो वहाँ से सीधा मुर्डेश्वर तक हाईवे है. अगर एल्लापुर से जाओगे तो 20 किलोमीटर हमको शॉर्ट पड़ेगा, फिर भी वो हमको फेमिलियर रोड नहीं है. तो इसीलिए गाड़ी स्टार्ट हो रही है, तो इसीलिए हम कारवार की तरफ से होके जाएंगे. तो अभी गाड़ी निकाल रहे हैं, गाड़ी निकालने के बाद बाइक कार की जगह पे पार्क करके निकलते हैं यहाँ से. अभी हम लगभग अंशी घाट पे है और यहाँ पीछे देखो यार हमारे दो पैसा ठंडी है भाई, बहुत खराब. विजय भाई तब से विंडो ओपन, इतना ठंडी है. अयो अभी हम अंशी नुज्जी के पास है कारवा रोड पे. तो विजय भाई तब से वो फॉग पकड़ रहा है, इसलिए तब से एसी लगा लगा के बस हो गया, इसलिए विंडो निकाल दिए. तो पीछे देखो ये हमारी फैक्ट्री है इधर. गाइस अभी कारवार पहुंच चुके हैं. देखो दोनों बंदे अच्छे से सोए थे, अभी उठे. कारवार में हैं हम
तो अभी ब्रेकफास्ट करने का प्लान है कि सुबह सिर्फ थोड़ा मैगी खा के निकले थे, मैगी और ब्लैक टी। तो अभी इतना ही खाया था हाँ, सबने इतना ही खाया था। तो अभी ये देखो कारवार बस स्टैंड के पास है, तो इधर ब्रेकफास्ट करके उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। अभी हम नाश्ता करके निकल चुके हैं, अभी ऑन द वे अंकोला रोड पे है। सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है, इस तरफ देख सकते हो प्यारा समुंदर वो दिखने रहा है, उसमें टैप करो ऐसा। यस वो तरफ समुंदर समुंदर, और हम अभी निकले हैं, अभी और एक डेढ़ घंटा लगेगा हमको, तो चलो निकलते हैं ऐसे ही। गाइस फाइनली कितना घंटा हो गया हमको छूट के निकल के, लगभग दो किधर से कारवार से, कारवार से हो गया शायद एक ढाई घंटों के बाद, दो घंटे के बाद मुर्डेश्वर एंटर हो चुके हैं। यहाँ से और 1.6 किलोमीटर से उसके बाद मतलब डायरेक्ट मंदिर का ही लोकेशन डाला है, वो शायद कुछ तो बनाया हम बड़ा, हम पे मास्क डाल दिया क्योंकि रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते, कहाँ भी फाइन डाल सकते, फाइन के लिए डाला है और क्या है। अब गाड़ी में हम तो एक ही घर से आए हैं ना, तो हमको क्या प्रॉब्लम है। तो अभी ऐसे और एक 1.5 किलोमीटर जाना है, उसके बाद मंदिर के पास पहुँच जाएंगे।